तो हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। और आज की वीडियो में ना मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं किसी बहुत पुराने बहुत ओल्ड सा ढाबा को एक्सप्लोर करने के लिए आया हूँ। एक बहुत ही नया सा शॉप खुला है, बहुत नया सा कार्ट खुला है और जो कार्ट है ना भाई साहब, उस कार्ट को चलाते हैं एक पति और पत्नी मिल करके। अगर एड्रेस की बात करें तो ये है बीरचंद पटेल मार्ग है और यहाँ पे है RJD का ऑफिस और उसी के पास ना पीछे देख सकते हैं कि ये इनकम टैक्स गोलंबर आ गए हैं और इधर जो है निकलेंगे तो वो चल जाएगा आपको चाणक्या के पास और इसी के पास दिखेगा आपको भाई साहब एक छोटा सा कार्ट भूपेश चंपारण मीट हाउस। तो चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या है वहाँ पे, ऑर्डर करेंगे, खाएंगे और बताएंगे कि यहाँ का टेस्ट कैसा है। तो गाइज ये वो कार्ट है जिसका नाम है भूपेश चंपारण मीट हाउस और अगर रेट की बात करें तो रेट देख सकते हैं लिखा हुआ यहाँ पे मटन स्टू 2 पीस 120 रुपये का, मटन अहुआ हाफ किलो 450 रुपये का, मतलब मटन भी है, चिकन भी है, मछली भी है, अंडा भी है और मटन स्टू 2 पीस मिलता है 120 रुपये का। इसमें आपको मिलेगा रोटी और चावल। तो चलिए एक बार देखते हैं इनका मटन का रंगत कैसा है और पराठे कैसे बनाते हैं, फिर करेंगे ऑर्डर, खाएंगे और बताएंगे इसका टेस्ट कैसा है। चिकन है सर, दिखाइए एक बार चिकन जैसा रंगत देखे चिकन। ओहो हो भाई साहब, ये देखिए ये इनका चिकन है। क्या प्राइस है इसका? 100 रुपया सर, 100 रुपये 2 पीस, 2 पीस चिकन और चावल। पराठा चाहिए तो पर पीस 8 रुपये पर पराठा है। अच्छा, तो ये इनका चिकन है और ये दिखाई मटन, दिखाई मुझे एक बार। ये आपका मटन है सर? ओह, एकदम गर्मा गर्म मटन। और ये देखिए गाइस, ये है इनका मटन और खुशबू ना भाई साहब, खुलते ना क्या खुशबू है। आ हा हा, ये देखिए नली वाला पीस है और मटन बहुत लाजवाब। ये देखिए रोगन, देखिए इसका बहुत शानदार। तो चलिए चलते हैं फटाफट और करते हैं अपना चिकन मटन और पराठा को ऑर्डर और खाते बताते हैं इसका टेस्ट कैसा है। तो ये देखिए गाइस, इधर जो है ना मस्त एकदम कोयले की आँच पे बन रहा है एकदम गर्मा गर्म आलू का पराठा। और ये देखिए कोयले के लकड़ी पर बना खाने का ना बात ही अलग होता है। ओह, तो चलिए फटाफट लगवाते हैं अपना प्लेट जिसमें होगा आलू का पराठा, मटन, चिकन और आज साथ अंडा भी ऑर्डर करने वाले हैं। चलिए करते हैं और करते हैं ट्राई। सर मेरा नाम भूपेश। और ये दुकान तो बहुत नया दुकान है, मतलब ये नहीं पूछा कितनी पुरानी दुकान है, दुकान कब खोले वैसे आप? दुकान सर ऐसे 20 दिन हो गया मेरे खोले, 18-20 दिन। 20 दिन हो गया। अच्छा एक बार बताइए, ये दुकान यहाँ पे किसी और का दुकान था पहले? जी वो मेरे रिलेशन में ही है भैया। हाँ, तो वो दूसरे काम में व्यस्त होगा इसलिए फिर मैं इसको चालू किया। तो पूरा नाम भी चेंज कर दिया? जी नाम भी चेंज कर दिया, सब कुछ चेंज कर दिया। जी जी। अच्छा क्या क्या रखते हैं आप वैसे? सर ऐसे मटन स्टू है, मटन हांडी है, मटन अहुना है और चिकन स्टू, चिकन हांडी, चिकन हांडी। हांडी भी रखते हैं क्या? जी अभी फिलहाल नहीं चालू किए हैं, अभी चूल्हा बन रहा है मेरा। अच्छा, नया नया शॉप है तो अभी चालू नहीं किए हैं, मतलब अभी मटन का आइटम है। हाँ मटन का आइटम है। तो चलिए गाइस लगवाते हैं अपना ऑर्डर और बताते हैं कि यहाँ का टेस्ट कैसा है। देखिए हमारा प्लेट जो है वो आ चुका है और आज मैं ना ऐसे बैठ के खाना खा रहा हूँ, मतलब चौकी लगा हुआ है, अगर चाहे ना आप तो यहाँ पे टेबल कुर्सी भी लगा हुआ है वहाँ भी खा सकते हैं, लेकिन जब मुझे मौका मिलता ना है इस तरह से बैठ के खाने का ना, तो मैं प्रीफर यही करता हूँ कि मैं किसी भी चाहे ज़मीन पे हो चाहे टेबल पे हो, मतलब चौकी पे हो, वहाँ बैठ के खाना खाए, सुकून मिलता है वहाँ पे। चलिए हमने ऑर्डर क्या किया है, हमने ऑर्डर किया है यहाँ का पराठा, आलू का पराठा है, साथ में मटन और आज मैंने ऑर्डर किया चिकन के जगह पे अंडा करी। ये क्या है? ये साथ में आ गया हमारा धनिया की चटनी। अरे वाह, ट्राई करते हैं यहाँ पहले मटन और पराठा के साथ और अंडा करी को करते हैं थोड़ा सा साइड, लेकिन वाह कलर देखिए आप, क्या शानदार कलर है अंडे करी या ग्रेवी का। चलिए हम तो भाई साहब आए हैं मटन के लिए और देखिए मटन का पीस, ये है एक पीस और ये है दूसरा नली वाला पीस। चलिए एक बार दोनों को निकालते हैं बाहर और ये ग्रेवी है यहाँ पे, ये आलू पराठा। और आलू पराठा मैंने एक चीज़ देखा मैंने ना कि ये ना जो स्टफिंग किया है बड़ा प्यार से, इसमें मिर्च भी है और लहसुन को यूज़ किया क्योंकि ठंड का मौसम ना है तो गर्मी के कारण लहसुन का यूज़ किए, अदरक का यूज़ किए और इसमें दिया गया है मिर्च। तो एक बार तोड़ते हैं पहले मटन के साथ, मटन देखिए ये नली वाला पीस और ये कितना सॉफ्ट पीस है, ये देखिए मतलब पूरा का पूरा अलग, वाह ये देखिए। और डिप करते हैं ग्रेवी में और भाई
फ्लेवर आलू के पराठे का और मटन का। आह क्या शानदार चीज़ है भाई साहब, ये ठंड के मौसम है ना। आह लो सुपर टेस्ट। हाँ 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 बहुत बढ़िया। मटन जो है ना प्रॉपर तरीके से एकदम पक चुका है और बहुत सॉफ्ट हो गया है। ये देखिए हड्डी छोड़ दिया, मटन अलग। और ये मटन को लेते हैं एक बार फिर से, क्योंकि ना स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट है। ये देखिए मटन जो है बिल्कुल टूट रहा है प्यार से एकदम। बहुत मेहनत नहीं करना है, जो मेहनत करना है वो खाने पर करना है, तोड़ तार पर नहीं करना है। ये देखिए आराम से टूटा प्यार से और गया हमारे। भाई जबरदस्त मज़ा आ गया ना, टेस्टी है ना एक मटन कि मन नहीं गया इसको ट्राई करने का, लेकिन मंगाए हैं तो एक बार ट्राई करके दिखाते हैं कि इसका अंडा करी का टेस्ट कैसा है। आह बहुत बढ़िया, इसको लेते हैं एकदम मस्त मज़ेदार एकदम ग्रेवी को चावल पे। और ये है अंडा करी। आह ये देखिए, और इसमें कुछ नॉर्मल, इसमें कुछ कोई ख़ास नहीं होगा। अंडा करी को फ्राई किया गया ऊपर से और डिप कर दिया गया है ग्रेवी के साथ। और लेकिन टेस्ट करते हैं क्योंकि इसका ग्रेवी थोड़ा अलग लग रहा है मुझे। ठीक है, अच्छा है। अब भाई जहाँ मटन हो ना वहाँ चिकन और अंडे का क्या ही कहना, मतलब कहीं ना कहीं वो डाउन करता है, अपने रेटिंग को डाउन कर लेता है, क्योंकि भाई मटन ना मटन ही होता है। अंडा का जैसे फ्राई किया गया है ऊपर का लेयर आपको मतलब टेस्ट करने का ये लग रहा है कि ऊपर से बहुत अच्छे से फ्राई किया गया है। ये देखिए आप लेयर देखिए उसका निकल के आ रहा है, इसका मतलब कि अंडे जो है ना अच्छे से फ्राई हुआ भाई। देखिए आप मतलब अच्छे से फ्राई किया गया है और टेस्टी है भाई साहब। बहुत बढ़िया, मात्र 120 रुपये मिलेगा आपको, दो पीस मटन, चावल और रोटी। पराठा लेना है तो वो 8 रुपये का है, लेकिन वर्थ है भाई साहब। 8 रुपये में आपको इस तरह का रेट मिल रहा ना, टेस्ट वर्थ है। और चाहे तो आप मेरे तरफ बैठ के खा लेते हैं यहाँ चौकी पे भी या फिर टेबल कुर्सी पे भी, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन स्वाद जो ना ज़बरदस्त है। तो हम ख़त्म करते हैं अपने इस पूरे प्लेट को, अंडा करी को, मटन को, और मिलते हैं आपको एक नई जगह पे नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।